हाय एवरीवन। तो आज मैं घर पे ही थी और मैंने सोचा मैं कुछ अपने लिए अच्छा बनाऊं। तो मुझे गोभी बहुत पसंद है, तो बस गोभी पड़ी हुई थी घर पे, तो मैं आपको इसकी एक सिंपल रेसिपी बताती हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा खाना बनाती हैं, उनके जैसे शायद कोई नहीं बनाता इतने कम मसाले कम तेल में। तो मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती हूँ, मेरा इतना अच्छा नहीं बनता पर मेरी मम्मी का बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैंने उन्हीं से सीखा हुआ है, उन्हीं को देखा है बनाते हुए। तो बहुत बार, कई बार घर पे ये होता था कि लहसुन प्याज नहीं डालना होता था हमारे घर पे, तो मम्मी ये वाली रेसिपी बनाती थी बिना लहसुन प्याज के, और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो इसके लिए सिंपल है, आपको गोभी लेना है, उसको बॉयल कर लेना है, उसके बाद आपको उसको स्टर फ्राई कर लेना है अच्छे से। आप उसको निकाल के सेपरेट कर दीजिए। आप टोमेटोज़ ले लो, 2 या 3 ले लो, जितना आप टोमेटोज़ दोगे उतना अच्छा वो ग्रेवी अच्छी बनेगी। तो आप टोमेटोज़ को कट कर लो छोटे छोटे। आप अदरक ले लो, उसको थोड़ा छोटा छोटा अदरक कट कर लो, या उसको घीस लो, ग्रेट कर लो किसी चीज़ पे। छोटा छोटा ये ले लो आप, मिर्ची ले लो। धनिया पत्ता था नहीं मेरे पास, वरना आप, अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो प्लीज़ गो अहेड एंड यूज़ इट। स्टेम आप पकने के टाइम पर डाल सकते हो, और जो लीव्स हैं वो आप एंड में उसके ऊपर गार्निश कर सकते हो। तो एक हम तवा लेंगे या जो भी आपको लेना है। मेरे पास ये मेरा कुकिंग यूटेंशल था, तो इसमें मैंने डाला 1 टेबल स्पून कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल, दैट्स कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा जीरा, फिर मैंने उसमें डाला थोड़ी सी भुनी हुई पिसी हुई मेथी, वो ना आपका इन्हेंस कर देती है फ्लेवर। फिर मैंने उसमें डाला थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हल्की सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च तीखी वाली नहीं, कश्मीरी मिर्च जो आप कलर देती है, ठीक है। मैंने वो डाला इसमें, थोड़ा सा हल्दी डाला, नमक डाला, और मैंने इसमें डाला थोड़ा सा आपका ये टमाटर जो मैंने काट के रखे थे। मैंने 2 टमाटर लिए थे, बड़े थे मेरे साइज़, तो मैंने उनको डाल दिया। अब उनको मैंने हल्का सा चला के मैंने ढक के इनको पकने दे दिया। जब आप ढक देते हो ना, तो अंदर जो मॉइस्चर बिल्ड होता है उससे क्या होता है, जल्दी कुक होता है आपका मसाला, आपका टमाटर, टमाटर एकदम मेल्ट हो जाता है। वो जैसे ही मेल्ट होगा, एक पेस्ट का जो वो एक होता है ना, एक वो दे देगा पूरा टेक्स्चर। अब जब वो हो जाएगा तो आप इसमें एक जो आपने जो गोभी फ्राई करके रखी हुई है आप वो डाल दो इसमें। आप उसको अच्छे से फ्राई करो, मतलब 10-15 मिनट, आपको जितना भी लगे, जब तक वो तेल से मसाला ना, मतलब मसाले में से तेल साइड साइड से छूटना स्टार्ट हो जाए, मतलब आपका मसाला पक गया है। तो जब ये हो जाए, और आप एक बार चेक भी कर लेना कि आपकी गोभी पकी है कि नहीं पकी है, तो एंड में जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट होता है जो अभी रेस्टोरेंट्स वाले भी यूज़ करते हैं, तो वो आप डालिए, वो है आपकी सूखी हुई कसूरी मेथी। हाँ, अगर आप देखो सब जगह जाओ तो अजीनोमोटो यूज़ करते हैं, कसूरी मेथी उसी का काम करती है, ये फ्लेवर को इन्हांस कर देती है। अजीनोमोटो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इंडिया में अगर आप हैं तो आप लेमन या फिर कसूरी मेथी को यूज़ कर लीजिए, इससे आपका ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन जाएगा। और ये ना आप ये भी कर सकते हो कि इसको, जैसे मैंने अभी क्या किया, इसे हल्का सा मैंने कम आँच पे बंद करके रख दिया, और ये ना थोड़ी देर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा ना, जो भी हल्की सी कहीं से भी कसर होगी ना मसाले की या फिर आपकी गोभी की पकने की, वो सब मतलब पक जाएगी। तो आप 10 मिनट या 5 मिनट इसको ढक के रख दीजिए, और फिर ये बस आपका बन गया। आप इस पर गार्निश करिए अच्छे से इसमें धनिया पत्ता, और हम बनाते हैं नेक्स्ट डिश। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं हमारी थोड़ी सी चटनी। अभी थोड़ी सी यूनिक सी चटनी है, मैं बहुत कुछ ट्राई करते रहती हूँ। ये मैंने महाराष्ट्र में कहीं देखा था, इसे वो अलग तरीके से बनाते हैं, पर इसमें मैंने थोड़ा अपने से कुछ कुछ किया हुआ है। आप बता सकते हो मुझे, अगर कुछ गलत वलत है तो मैं इसमें चेंज कर दूँगी। अब मैंने लिया है बादाम, इसमें थोड़ा सा लिया है मैंने गार्लिक, चिली लिया है मैंने, इसमें जीरा लिया है मैंने, और वाइट वाली तिल ली है, सेसमी सीड। तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने आपका जो ये है बादाम, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट किया है मैंने तवा पे, अच्छे से रोस्ट हो जाए। आप इसका कवर हटा सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं होता इसका ऊपर का कवर रखने में, तो मैं इसको कवर छोड़ देती हूँ। कई लोग क्या होते हैं इसका कवर हटा देते हैं, तो आप इसको हटा सकते हो। जब ये हो जाए, इसको कोने में कर दे तवा के, और बीच में आप इसमें ये डाल दें, मिर्ची डाल दें, और मिर्ची को थोड़ा सा पकने दें। और प्लीज़ याद रखें कि इसको बीच से आपको स्लिट करना है, वरना ये फट जाएगी और आपको पड़ेगी, और वो अच्छा नहीं होगा। तो आप उसको प्लीज़ उसको बीच से स्लिट कर दीजिए, और उसको हल्का सा रोस्ट होने दीजिए दोनों साइड में। उसके बाद आप उसी में, कई लोग क्या करते हैं तेल डाल देते हैं, मुझे तेल नहीं डालना था। आप बाद में घी वगैरह डाल सकते हैं, या आपका मन है तो आप अभी तेल भी डाल सकते हैं।
मैंने तेल नहीं डाला है, मैंने इसी पे मैंने जो आप मैंने गार्लिक था उसको कद्दूकस कर दिया था और मैंने उसको बीच में डाल दिया है और उसको हल्का सा मैंने उसमें से ड्राई रोस्ट किया है ताकि वो हल्की सी ब्राउन हो जाए और उसका वो जो नो जो उसका जो टेस्ट होता है जो उसका वो कच्चापन होता है वो चला जाए। फिर उसी में मैंने थोड़ा सा मैंने जो जीरा था मैंने उसको पीस के डाल दिया है, आप जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा इसमें जो सेसमी सीड था वो डाल दिया, उसको थोड़ी देर भून के मैंने इन सबको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने एक जार में इसको पीस के पीस दिया। अब इसमें मैंने पीसते समय थोड़ा सा नमक डाल दिया था। जब आप इसको वापस से निकाले ना तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही ड्राई अच्छी लगती है मुझे, पर आप इसको गन पाउडर के जैसा इसमें आप ये जो आप घी होते हैं मेल्ट करके वो डाल के भी आप खा सकते हो, या पकाते वक्त आप इसमें घी या फिर सरसों तेल या फिर आप सेसमी ऑयल तिल का तेल में इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दोनों चीज़ बन गई, हमारी गोभी बन गई, चटनी बन गई। अब हम बनाते हैं हमारा थर्ड आइटम। अब भाई हमारी दो चीज़ तो बन गई है, हमारी सब्जी बन गई, हमारी चटनी बन गई। अब इससे हम किसके साथ खाएंगे? अब मैं रोटी मुझे इतनी पसंद नहीं है, मुझे चावल बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली मुझे खिचड़ी जो खुले आँच पे बनती है ना खिचड़ी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि आपने देखा था वीडियो में कि मैंने दो और एक का भाग किया, मैंने एक में मैंने उतना ही राइस डाला और उतना ही मैंने दो ये लिया है दाल लिया। अब दाल मैंने दो तरीके के लिए है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे दाल लिए हैं आपका मसूर और आपका मूंग। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है लाइक यू नो कंपेयर टू तूर दाल और या फिर आपका हो गया ये चना दाल, तो इसीलिए। और स्पेशली खिचड़ी तो इसी से ही बनती है, हमारे यहाँ तो इसी से ही बनती है। तो ये दो मैंने चीज़ लिया। अब मैंने इसे क्या किया, मैंने इसे अच्छे से पानी में धो लिया है, जितना हो सकता था अच्छे से इसका निकाल दिया, क्योंकि जो उसमें मसूर की दाल है ना उससे वो जो वाइट कलर की जो वो होती है ना बबल सी, वो बहुत ज़्यादा बनती है। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और मैंने एक जगह मैंने गर्म पानी भी करके रख लिया है। अब मैंने जैसे कहा कि मैं इसे खुले आँच पे बनाऊँगी, राइट? तो मैंने इसे खुले आँच पे बनाने के लिए मैंने क्या किया कि एक पैन लिया, उसमें मैंने इसको डाला, इसमें मैंने गर्म पानी डाली, इसमें मैंने हल्दी नमक थोड़ा सा कच्चा तेल डाला और थोड़ा सा आपका गर्म पानी जो मैंने बॉयल, जितना भी आपको डालना है आपको आप बाद में भी डाल सकते हो जब आप देख सकते हो बनाने समय कि इसका कैसा थिकनेस हो रहा है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग उतना मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से मैंने डाल दिया है। मुझे ज़्यादा पानी जैसी पसंद नहीं है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं अच्छे लगते, मुझे मीडियम में अच्छा लगता है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग इसको बैठा दिया है। अब मैं इसे बैठा देती हूँ गैस पर और इसे मैं बॉयल होने देती हूँ। ये टाइम लगता है इसे बनने में क्योंकि एकदम सडनली से नहीं, मतलब आप सोचोगे कि बॉयल वाटर दे दिया तो तुरंत बन जाएगा, नहीं, इसमें दाल है तो वो थोड़ी टाइम लगती है दाल को पकने में, क्योंकि हम जैसे हम कुकर में बनाते हैं तो कुकर में तो आप एक सीटी में बना दो जल्दी हो जाता है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो जब तक ये बन रहा था तो मैंने सोचा मैं कुछ कुछ काम भी कर लूँ, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ तो मैं वो बुक भी थोड़ा सा मैंने सोचा जाके बैठ के यू नो बुक पढ़ लेती हूँ। बाहर देख रही थी हल्की सी बारिश हो रही थी तो अच्छा लग रहा था बालकनी में बैठ के, यहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है। तो वो मीन वाइल ये जो मेरा बन रहा था तो मैं थोड़ा सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ी देर बुक पढ़ लिया जाए, और फिर मैं इसे जा जा के देख भी रही थी कि उसका यू नो थिकनेस कैसा हो रहा है। उसमें हल्के हल्के से ऊपर आपको फ़ैन होते हैं ना, वो हल्के से वो डर्ट जैसे जमा होते हैं जो फ़ैन बोलते हैं हम, पता नहीं आप क्या बोलते हो, तो वो निकाल के मैं फेंक भी रही थी, आप भी उसको ऐसे फेंक दिया करना। और बस मैं उसको चलाती रही थोड़ी देर, धीरे 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 करती, और एज़ पर मी जितना मुझे चाहिए था उसका गाढ़ापन मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको यू नो गैस पे रखा और उसको पकने दिया। मैंने उसमें मतलब मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला है। अगर आपको लगे कि कभी आपका वो चीज़ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है या पानी कम हो गया है तो आप प्लीज़ पानी डाल सकते हो, लेकिन कच्चा पानी मत डालना, टैप वाटर मत डालना, पानी को आप बॉईल करके कहीं पे रख लेना। तो वो जब आप डालोगे ना, और स्पेशली अगर वो गरम गरम पानी होगी ना तो वो जल्दी से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, तो डिश अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेता है, वो ऑलरेडी उस गरम यू नो इन्वायरमेंट में है। तो जब आप उसमें ठंडा पानी डालते हो तो उसको फिर से अपने आप को रिबूट करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं। पर जब आप उसमें गर्म पानी डालते हो, वो ऑलरेडी गर्म है बॉयल हो रहा है और आप उसमें गर्म पानी डालते हो तो वो
अपने आप को उस एनवायरनमेंट में जल्दी अडाप्ट करके वो जल्दी से उसी जिस स्टेज पे वो कुकिंग का प्रोसेस था वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर आप इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी ट्राई करो गर्म पानी डालने का ट्राई करो। और जैसा कि आप देख रहे हो मेरा तो ये ऑलमोस्ट बन गया है, ये बन के रेडी हो गया है मेरा। तो मैंने बस, मुझे सैलड बहुत पसंद है तो मैंने लेटिस निकाला, मैंने अपनी प्लेट निकाली, उसमें मैंने थोड़ी चटनी डाली, थोड़ी सी गोभी डाली और अपना खिचड़ी डाला और अपना थोड़ा सा लेटिस डाला और मैं आ गई अपनी बालकनी में बैठ के खाने के लिए नज़ारों को देख कर। और हाँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज ये बना के और खा के और आपको बता के भी। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय।